नमस्कार, मुख्यमंत्री अभ्युदय निःशुल्क कोचिंग योजना में पुनः आप सबका अभिनंदन है। हम लोग सॉलिड स्टेट पढ़ रहे थे, सॉलिड स्टेट का लेक्चर टू आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेकिन लेक्चर टू स्टार्ट करने से पहले हम लेक्चर वन के लास्ट पोर्शन को रिवाइज कर दें, जिससे लेक्चर वन और लेक्चर टू में कोऑर्डिनेशन बना रहे। तो देखिए भाई, लेक्चर वन में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, मॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं। तो मैंने बताया था कि ऐसे सॉलिड जिसमें उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑर्डर्ड मैनर में अरेंज हो, उसको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। और ऐसे सॉलिड जिसमें उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब उसके एटम आयन मॉलिक्यूल डिसऑर्डर्ड मैनर में हो, मतलब एक ऑर्डर्ड मैनर में अरेंज ना हो, उसको हम क्या कहेंगे? मॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड को मैंने सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा था, मैंने इसको स्यूडो सॉलिड भी कहा था। कई बार ये कंपटीशन में पूछा गया है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड में से किसको स्यूडो सॉलिड कहा जाएगा, किसको सुपर कूल लिक्विड कहा जाएगा। तो याद रखिएगा कि जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं उनको हम स्यूडो सॉलिड भी कहते हैं, क्योंकि ये लिक्विड और सॉलिड के बीच की स्थिति होती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने डिफाइन किया था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड एमॉर्फस सॉलिड दोनों के बीच में अंतर भी हम लोगों ने पढ़ा था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड में क्रिस्टलाइन सॉलिड एनआइसोट्रॉपिक होते हैं और एमॉर्फस सॉलिड आइसोट्रॉपिक होते हैं। एनआइसोट्रॉपिक का मतलब डायरेक्शनल डिपेंडेंट और आइसोट्रॉपिक का मतलब डायरेक्शनल इंडिपेंडेंट, मतलब किसी भी डायरेक्शन में आप जाएँ क्रिस्टल के तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम रहेंगी। तो आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड अगर हैं तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे, और कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से होंगे, या तो एटम होंगे या आयन होंगे या मॉलिक्यूल होंगे। तो हम ये माने कि ये हमारे पास कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो ऑर्डर मैनर में अरेंज हैं, ऐसे इस टाइप से ऑर्डर मैनर में अरेंज हैं, तो इसलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाया जाता है। तो इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऐसे हैं इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का नेचर है, नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो इनके बीच में फोर्स काम कर रहा है जिससे कि ये बंधे हुए हैं, उसके नेचर की बेसिस पर जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, तो इनके बीच में ये जो नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं वो नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज कौन कौन से हैं जो इनके बीच में कार्य करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के, जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, मतलब जो एटम आयन या मॉलिक्यूल्स हैं जिससे मिलकर के क्रिस्टलाइन सॉलिड बना है, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कार्य करता है वो कौन सा फोर्स हो सकता है? वो या तो वैन डर वाल फोर्स हो सकता है, वो आयनिक बांड हो सकता है, इन दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में आयनिक बांड हो सकता है, और कोवैलेंट बांड हो सकता है, इनके बीच में कोवैलेंट बांड भी बन सकता है, और तीसरे चौथे नंबर पर मेटैलिक बांड। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके नेचर की बेसिस पर क्रिस्टलाइन सॉलिड को चार भागों में डिवाइड किया गया है। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज दैट होल्ड्स द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड, और वो कौन कौन से हैं? वैन डर वाल, आयनिक, कोवैलेंट, मेटैलिक। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर डिवाइडेड इंटू फोर टाइप्स। कौन कौन से उनके टाइप हैं अभी मैं लिखवाता हूँ। पहले नंबर पर मेटैलिक मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरे नंबर पर आयनिक सॉलिड, तीसरे नंबर पर मॉलिक्यूलर, आयनिक, मेटैलिक और कोवैलेंट। कोवैलेंट को हम नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो निश्चित रूप से अगर क्रिस्टलाइन शब्द कह दिया, क्रिस्टलाइन नाम आ गया, तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट ऑर्डर्ड मैनर में होंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर डिवाइडेड इंटू फोर टाइप्स। ओके, और कौन कौन से हैं? यही है चार टाइप के जो फोर्स उनके बीच में कार्य करते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट वैन डर वाल फोर्स, आयनिक, कोवैलेंट और मेटैलिक। इन्हीं की बेसिस पर अगर वैन डर वाल फोर्स होगा तो अलग टाइप का क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, अगर वो आयनिक होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तो अलग टाइप का होगा, कोवैलेंट है तो अलग टाइप का, मेटैलिक बांड है तो अलग टाइप का। तो भाई आइए हम लोग इस चीज़ को नोट कर ले एक लाइन में का ऐसे लिख सकते हैं द नेचर ऑफ फोर्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दैट होल्ड्स द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स विथ ईच अदर आर दिस। तो यहाँ पर लिख सकते हैं द नेचर ऑफ
द नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, द नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, द नेचर ऑफ, द नेचर ऑफ NATURE, द नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, द नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर, द नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और अथवा बॉन्ड, द नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर बॉन्ड दैट होल्ड्स, दैट होल्ड्स द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, दैट होल्ड्स द कॉन्स्टिट्यूएंट CONSTITUENT, दैट होल्ड्स द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स PARTIL, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में कौन कौन है, एटम आयंस या मॉलिक्यूल, एटम आयंस या मॉलिक्यूल, एटम्स आयंस या मॉलिक्यूल्स, डिपेंड द नेचर ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर बॉन्ड दैट होल्ड्स द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड के बीच में, क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उनके बीच में जो फोर्सेस कार्य करते हैं वो फोर्सेस कौन कौन से हैं, पहले नंबर पर वैंडर वाल फोर्स, वाइंडर, देखिए दोनों अलग अलग लिखा जाता है, वाइंडर वाल फोर्स, वाइंडर वाल फोर्स, दूसरे नंबर पर आयनिक बांड, आयनिक बांड, अगर वो आयन है तो आयनिक बांड, और तीसरे नंबर पर मेटेलिक बांड या कोवैलेंट बांड लिख लीजिए COVALENT, कोवैलेंट बांड, और फिर चौथे नंबर पर मेटेलिक बांड, ये कहाँ कार्य करेंगे भाई, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके बीच में ये ऑपरेट करते हैं, तो ये चार टाइप के फोर्स हैं, तो इन्हीं फोर्सेस की बेसिस पर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर डिवाइडेड इनटू फोर टाइप्स, डिपेंडिंग अपॉन दीज फोर्सेस, डिपेंडिंग अपॉन दीज फोर्सेस, इन फोर्सेस की बेसिस पर, डिपेंडिंग अपॉन दीज फोर्सेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर डिवाइडेड इनटू फोर टाइप्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर डिवाइडेड इनटू फोर टाइप्स, डिवाइडेड इनटू फोर टाइप्स, चार प्रकार उनको डिवाइड किया गया है फोर टाइप्स, और कौन कौन से वो हैं उसको हम लिखेंगे, तो डिपेंडिंग अपॉन दीज फोर्सेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर डिवाइडेड इनटू फोर टाइप्स, वो कौन कौन से हैं, मॉलिक्यूलर, आयनिक, मेटेलिक और कोवैलेंट, तो पहले नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर, दूसरे नंबर पे आयनिक, मॉलिक्यूलर, दूसरे नंबर पे आयनिक, और तीसरे नंबर पे MIMC, मॉलिक्यूलर, आयनिक, मेटेलिक, और चौथे नंबर पे कोवैलेंट, इतने टाइप के क्रिस्टलाइन सॉलिड हम लोग पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, मेटेलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड और कोवैलेंट मेटेलिक सॉलिड, तो इस टाइप से हमारे पास अगर कोई पूछे कि ये जो चार टाइप के, फोर टाइप के क्रिस्टलाइन सॉलिड आप लोग पढ़ रहे हैं ये किस बेसिस पर डिवाइड किया गया इनको, तो आप कह दीजिए नेचर ऑफ फोर्सेस, नेचर ऑफ बॉन्ड्स दैट होल्ड्स द टू कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड, उनकी बेसिस पर क्रिस्टलाइन सॉलिड को चार भागों में डिवाइड किया गया है, और उसका नाम है मॉलिक्यूलर, आयनिक, मेटेलिक और कोवैलेंट। तो भाई चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे बारी बारी से कि कौन से मेटेलिक हैं, टाइप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, हेडिंग डाल दीजिए डिफरेंट, अब हम लोग पढ़ेंगे बारी बारी से मॉलिक्यूलर, आयनिक, मेटेलिक और कोवैलेंट, ये चारों सॉलिड को हम बारी बारी से पढ़ेंगे, और हेडिंग डाल देंगे हम कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, विभिन्न प्रकार के ठोस, जो हमारे हिंदी माध्यम से बच्चे जुड़े हुए हैं वो हेडिंग डाल दें डिफरेंट, ये छोटी हेडिंग DIFFERENT, एक टेबल हम लोग बनाएंगे जैसा कि किताबों में दिया भी गया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, विभिन्न प्रकार के सॉलिड, तो भाई देखिए
यहाँ पे सीरियल नंबर लिख लेंगे। तो यहाँ टाइप्स ऑफ सॉलिड, पहला जो कॉलम है हमारा टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, टाइप ऑफ सॉलिड्स। दूसरे कॉलम में हम लोग क्या लिखेंगे, दूसरे पहले नंबर पे टाइप्स ऑफ सॉलिड, और यहाँ पर टाइप्स ऑफ सॉलिड के बाद मैंने एक शॉर्ट फॉर्म इसका बनाया है CBEX, और इस डायरेक्शन में हम लोग चलेंगे PCM। मतलब कॉलम में क्या क्या चीज़ें रहेंगी, इसका शॉर्ट ट्रिक ये है CBE। आपने लिखा टाइप्स ऑफ सॉलिड, फिर आप इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल लिखेंगे, फिर बॉन्डिंग या अट्रैक्टिव फोर्सेज लिखेंगे, फिर इसका एग्जांपल लिखेंगे। अगला कॉलम होगा फिजिकल नेचर का, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का और मेल्टिंग पॉइंट का। इतने कॉलम हैं, तो देखिए इस कॉलम से हमको बहुत रिलायबिलिटी मिल जाएगी। तो दूसरे नंबर पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल CONSTI, इसको हम दूसरे पेन से लिख देते हैं जिससे दिखाई देता रहे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दूसरी लाइन। फिर उसके बाद बॉन्डिंग या अट्रैक्टिव ACTI अट्रैक्टिव फोर्सेस। फिर उसके बाद बताएं भाई एग्जांपल्स, फिर क्या एग्जांपल्स इसका उदाहरण, फिर नेक्स्ट क्या उदाहरण के बाद, उदाहरण थोड़ा सा कॉलम बड़ा कर लीजिए उदाहरण का। नेक्स्ट के बाद फिजिकल नेचर PHYSIC फिजिकल नेचर NATURE फिजिकल नेचर के बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। फिर उसके बाद बताएं मेल्टिंग पॉइंट। इतनी बातों को, और नीट का बहुत अच्छा प्रश्न इससे बनता है कभी कभी, तो ये टेबल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई सबसे पहले नंबर पर कौन सा सॉलिड हम लें, मॉलिक्यूलर सॉलिड MOLECULAR मॉलिक्यूलर सॉलिड अगर है तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। तो देखिए भाई मॉलिक्यूलर सॉलिड के तीन पार्ट हैं, पहले नंबर पे नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड के तीन पार्ट, पहले नंबर पे नॉन पोलर, सेकेंड नंबर पे पोलर, और तीसरे नंबर पे हाइड्रोजन बॉन्डेड। तीन टाइप के मॉलिक्यूलर सॉलिड हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो नॉन पोलर में क्या क्या होगा भाई, सबसे पहले नंबर पे मॉलिक्यूलर सॉलिड में मॉलिक्यूल्स होंगे, ये देखिए नॉन पोलर सॉलिड के मॉलिक्यूल होंगे। बॉन्डिंग या अट्रैक्टिव फोर्सेज में चलते हैं, तो जो नॉन पोलर हैं मतलब जो पोलर नहीं है, जैसे हाइड्रोजन है, आर्गन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये सब नॉन पोलर हैं, मतलब इनका डाइपोल मोमेंट जीरो है। तो इनके बीच में जो फोर्सेस काम करेगा वो फोर्सेस काम करेगा लांडन या डिस्पर्सन फोर्सेस। तो चलिए भाई इसका एग्जांपल क्या बताया मैंने, H2 आप लिख सकते हैं, आर्गन लिख सकते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड लिख सकते हैं, I2 लिख सकते हैं, आयोडीन, H2, आर्गन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ETC, ये सारे एग्जांपल किसके हैं भाई, ये सारे एग्जांपल हैं नॉन पोलर, मतलब कि ऐसे मॉलिक्यूल जो पोलर ना हो। तो देखिए H2 क्या पोलर है क्या भाई, H2 तो ऐसे बनता है ना, एक हाइड्रोजन का एटम दूसरे हाइड्रोजन के एटम से शेयर करके ऐसे बनाता है ना, तो ये क्या पोलर है, नहीं पोलर नहीं है। और इसका फिजिकल नेचर क्या है, फिजिकल नेचर इसका होता है सॉफ्ट, इसका फिजिकल नेचर कैसा है सॉफ्ट। और ये जो नॉन पोलर है मतलब जिसमें डाइपोल मोमेंट जीरो है, तो क्या वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं, वो बिल्कुल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो नहीं करते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इनकी क्या होती है, लो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इनकी
लो होती है। मेल्टिंग पॉइंट इनका क्या होता है, या इंसुलेटर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में इंसुलेटर लिख लीजिए। इंसुलेटर क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं, नहीं, मेल्टिंग पॉइंट इनका क्या है, वेरी लो, बहुत लो है, मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी लो। तो देखिए भाई, एक कॉलम हम लोगों ने पूरा किया कि जो मॉलिक्यूलर सॉलिड हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे वो मॉलिक्यूल्स होंगे। मॉलिक्यूलर सॉलिड के तीन पार्ट, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो जो नॉन पोलर हैं उनके भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, तीनों के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स ही होंगे, तीनों के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स ही होंगे। तो चलिए, नॉन पोलर में कौन सा फोर्स कार्य करेगा मॉलिक्यूल के बीच में, लांडन या डिस्पर्सन फोर्सेस कार्य करेगा। इनका एग्जांपल हाइड्रोजन, आर्गन, कार्बन, टेट्रा क्लोराइड एसेक्ट्रा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, CO2 भी इसका एक एग्जांपल है। फिजिकल नेचर या सॉफ्ट होता है, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये नॉन पोलर है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो नहीं करेंगे, ये इंसुलेटर होते हैं। और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो ये आसानी से मेल्ट हो जाते हैं, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। सेकेंड नंबर पे पोलर, पोलर है तो इसमें भी जो पोलर मॉलिक्यूल है, अब इसमें जो बॉन्डिंग होगी वो बॉन्डिंग कौन कौन सी होगी, ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा। इसमें पोलर जो मॉलिक्यूल हैं, इसमें जो बॉन्डिंग होगी पोलर में, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, INTERACTION, डाइपोल डाइपोल है। पोलर का मतलब जैसे H2O का मॉलिक्यूल है भाई, H2O का मॉलिक्यूल है, तो H2O का मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, HOH, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, तो अगर हम इसको बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं ना, इधर नेगेटिव चार्ज इधर पॉजिटिव चार्ज, तो ये H2O का एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरे मॉलिक्यूल को कैसे अटैक करेगा, यहाँ पॉजिटिव साइन यहाँ नेगेटिव साइन, दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव पार्ट का, पॉजिटिव पार्ट को पहले मॉलिक्यूल का नेगेटिव पार्ट अटैक करेगा, वाटर मॉलिक्यूल। तो इसीलिए इसमें जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हुआ, और इसका एग्जांपल, इसका एग्जांपल जो पोलर मॉलिक्यूल है जैसे HCl, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, H2O, H2O भाई, HCl को आप देखिए, हाइड्रोजन क्लोराइड को देखिए, ये H है, ये Cl है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो हम ऐसे बनाते हैं ना कि HCl का मॉलिक्यूल पोलर होता है, ये माइनस चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, HCl का मॉलिक्यूल ऐसे बनता है। सल्फर डाइऑक्साइड भी पोलर है, ये भी पोलर है, और फिजिकल नेचर इसका पहले वाले की तरह है, ये बेचारा भी क्या है, सॉफ्ट, क्या है, बहुत मुलायम है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इनकी क्या होती है, ये भी इंसुलेटर है, क्या, इंसुलेटर, मतलब ये भी इलेक्ट्रिकल कंडक्शन शो नहीं कर सकते, और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी क्या है, लो है, मेल्टिंग पॉइंट लो है। और तीसरे नंबर पे हाइड्रोजन बॉन्डेड आता है, तीसरे नंबर पे हाइड्रोजन बॉन्डेड क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो चलिए, इसमें कौन सा फोर्स होगा, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, कौन सी बॉन्डिंग होगी, एच बॉन्डिंग, जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कहते हैं। और इसका बहुत अच्छा उदाहरण कौन सा है, H2O आइस, एच चार हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं ना, तो H2O आइस, और ये क्या होगा, ये हार्ड होगा भाई, ये क्या होगा, आइस क्या होता है, हार्ड होता है, और इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्शन देखिए, ये भी क्या होता है, इंसुलेटर, क्या, इंसुलेटर, और ये क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी इनका लो होता है। तो इस तरीके से मॉलिक्यूलर सॉलिड की विशेषताओं को हम लोगों ने पढ़ा, कि मॉलिक्यूलर सॉलिड कॉलम हम लोगों ने पूरा किया, मॉलिक्यूलर सॉलिड तीन टाइप के, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड, सबकी विशेषताएं हम लोगों ने यहां पर पॉइंट आउट कर लिया, मेंशन कर लिया। और अब हम लिखेंगे सेकेंड नंबर पे, एक लाइन में खींच दे रहा हूं जिसे मिक्सअप ना होने पाए, सेकेंड नंबर पे मॉलिक्यूलर के बाद आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड के बाद आयनिक सॉलिड। चलिए, आयनिक सॉलिड में इसके कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होंगे, इसके नाम से स्पष्ट है कि इसमें आयंस होंगे, क्या होंगे, आयंस होंगे, और इनके बीच में फोर्स कौन सा कार्य करेगा। अरे भाई, जब आप आयनिक कंपाउंड पढ़ते थे, मान लीजिए सोडियम क्लोराइड, तो Na प्लस और Cl माइनस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता था, इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता था ना, इसी को हम लोग कूलम्बिक फोर्स कहते थे ना, आयनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कार्य करता है उसको हम इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कूलम्बिक फोर्स कहते हैं। तो आयंस हैं इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, आयनों से मिलकर बना हुआ है,
देखिए NaCl सोडियम आयन से मिलकर बना है और क्लोराइड आयन से मिलकर बना है, और इसके जो अट्रैक्टिव फोर्सेज होंगे वो क्या होंगे, कूलम्बिक या इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कूलम्बिक CoULOMBIC कूलम्बिक आर इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चलिए भाई इसका एग्जाम्पल बताइए, इसका एग्जाम्पल NaCl सोडियम क्लोराइड, NaCl MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड और जिंक सल्फाइड एसेट्रा। दूसरे नंबर पर आयनिक सॉलिड हार्ड तो होते हैं लेकिन ब्रिटल होते हैं, थोड़ा सा हार्ड बट ब्रिटल, HARD हार्ड बट ब्रिटल, BRITLE हार्ड बट ब्रिटल। अब बताइए इलेक्ट्रिकल कंडक्शन की इनकी क्या स्थिति होती है, ये बेचारे जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ये सॉलिड स्टेट में तो इंसुलेटर होते हैं, लेकिन जब इनको मोल्टेन स्टेट या एक्वा सोल्यूशन में लाया जाता है तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाते हैं। तो यहां पर लिख लिया जाए ना कि इन सॉलिड ये क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, इन सॉलिड ये क्या होते हैं, इंसुलेटर, बट इन एक्वस इन मोल्टेन MOLTEN इन मोल्टेन आर एक्वस, इन मोल्टेन आर एक्वस सोल्यूशन ये क्या होंगे भाई, ये क्या होंगे कंडक्टर, क्या होंगे कंडक्टर, और इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, फेयरली हाई, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। तो हम लोगों ने आयनिक सॉलिड जो पढ़ा उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आयन्स होंगे, उसमें फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन कूलम्बिक या इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन होगा, NaCl MgO जिंक सल्फाइड उसके एग्जाम्पल होंगे, इसका फिजिकल नेचर हार्ड तो होगा लेकिन ब्रिटल होगा, सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर, लेकिन जब मोल्टेन स्टेट, क्यों, सॉलिड स्टेट में उसके जो आयन्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ, दोनों आयन एक दूसरे के साथ बहुत स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा अट्रैक्ट रहते हैं, उनका मोशन संभव नहीं है, उनका आयनों का मोशन संभव नहीं, वो आयन मूवमेंट करने के लिए फ्री नहीं होते हैं, ड्यू टू द लैक ऑफ फ्री आयन्स सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड्स इंसुलेटर होते हैं, लेकिन जब उनको वाटर में डिजॉल्व किया जाता है, प्रॉपर सॉल्वेंट में डिजॉल्व किया जाता है, तो जो आयन्स होते हैं जो एक दूसरे से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, तो आयन क्या होते हैं, फ्री हो जाते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयन्स जो आयनिक सॉलिड होते हैं वो एक्वस या मोल्टेन स्टेट में गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है आप हाई लिखें या फेयरली हाई लिखें, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, हाई होता है। तो अब नेक्स्ट हमारे पास, नेक्स्ट आयनिक के बाद क्या बचा भाई, मॉलिक्यूलर आयनिक और फिर मेटैलिक, तीसरे नंबर पर मेटैलिक, MeTA मेटैलिक सॉलिड्स। मेटैलिक सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जो मेटल आयन्स हैं, मेटल्स आयन्स आर प्रेजेंट इन ए सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मेटल पॉजिटिव आयन्स इन ए सी ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव आयन्स या लिख दीजिए पूरा, पॉजिटिव आयन्स इन ए सी, सी माने समुद्र, इन ए सी ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, DLOCALISED पॉजिटिव आयन्स इन ए सी ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। चलिए भाई बॉन्डिंग या अट्रैक्टिव फोर्सेस इसमें क्या होते हैं, जब ये मेटैलिक सॉलिड है तो इसका मतलब इसके बीच में जो बॉन्ड होगा वो मेटैलिक बॉन्ड होगा, इसके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, मेटैलिक बॉन्ड, MeTA मेटैलिक बॉन्ड, और इसका एग्जांपल मेटल जितने भी हैं, आयरन, कॉपर, AgHg सब मेटैलिक बॉन्ड होल्ड करते हैं, और अब ये क्या है, हार्ड है, मैलिएबल है, डक्टाइल है। अरे भाई जब आप BSc में थे या 10+2 में थे तो आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा कि जो प्रॉपर्टीज थी मेटल की वो क्या थी, हार्ड थे, मैलिएबल थे और क्या थे, डक्टाइल थे, हार्ड है, मैलिएबल, MALLE मैलिएबल एंड डक्टाइल, DU
मतलब पीटने पर चमक उत्पन्न होता है, पीटने पर ये चमकते हैं, पीटने पर ये फैलते हैं, हार्ड होते हैं। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है इनकी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। तो आप लिख सकते हैं कंडक्टर इन द सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन सॉल्यूशन, कंडक्टर यहां पे लिख सकते हैं कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट, कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन मोल्टेन स्टेट, कंडक्टर इन द सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन मोल्टेन स्टेट। और इनका मेल्टिंग पॉइंट भाई फेयरली हाई, बहुत हाई होता है इनका मेल्टिंग पॉइंट, इनको मेल्ट करना बहुत कठिन कार्य होता है, बहुत हाई टेम्परेचर पर ये मेल्ट होते हैं, कौन, मेटेलिक सॉलिड्स। और अब लास्ट बचा, उसका नाम है कोवैलेंट, क्या बचा, फोर्थ नंबर पे कोवैलेंट सॉलिड, या इसी को हम नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं, कोवैलेंट सॉलिड या इसी को हम नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं, याद रखिएगा। कभी कभी आपसे कोवैलेंट ना कहके वो पूछेगा नेटवर्क सॉलिड्स, नेटवर्क SOLIDS नेटवर्क सॉलिड। तो चलिए भाई बताइए, नेटवर्क सॉलिड अगर कहीं आप पर को कहे, आपसे पूछा जाए, तो आप क्या समझ पाएंगे कि वो क्या है? तो ये बढ़िया प्रश्न है भाई नीट का, ये कंपटीशन का अच्छा प्रश्न है कि नेटवर्क सॉलिड की विशेषताएं। तो नेटवर्क सॉलिड जो हैं, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन होंगे, कोवैलेंट जब बांड बनता है तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कौन होते हैं, एटम होते हैं ना, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटम्स होते हैं, क्या होते हैं, एटम्स, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटम होते हैं। और जो कोवैलेंट एटम के बीच में जो बॉन्डिंग बनती है उसको हम कौन सा बांड कहेंगे, कोवैलेंट बांड, कौन सा बांड, कोवैलेंट बांड। तमाम एग्जाम्पल कोवैलेंट बांड के हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, क्वार्ट्ज, कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ग्रेफाइट और डायमंड, तो इसका एग्जाम्पल SiO2 क्वार्ट्ज QuArTZ। फिर उसके बाद क्या, कार्बन का डायमंड DiAMOND। फिर क्या, एल्यूमिनियम नाइट्राइड इसका एग्जाम्पल। फिर क्या, कार्बन ग्रेफाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट भाई, कार्बन ग्रेफाइट जो इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के हैं उसमें से दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं, एक तो ग्रेफाइट दूसरा डायमंड। तो क्वार्ट्ज का जो नेचर है वो हार्ड है, क्वार्ट्ज का नेचर हार्ड है, लेकिन यही देखिए ग्रेफाइट क्या है, सॉफ्ट, क्या है, सॉफ्ट। और यही एक्सेप्शन है, यही कहीं नोट कर लीजिए, यही एक्सेप्शन है, EXCEPTION। कई बार आपसे पूछा गया है कि कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन ग्रेफाइट है वो किसके अंतर्गत रखा गया है, तो वो कोवैलेंट सॉलिड के अंडर में रखा गया है, कोवैलेंट सॉलिड के अंडर में कैटेगराइज किया गया है, और वो सॉफ्ट है। फिर उसके बाद चलिए भाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो इंसुलेटर है ये, इसकी ये अगर हार्ड है SiO2 तो ये इंसुलेटर है, इंसुलेटर, ये कंडक्शन शो नहीं करता, इंसुलेटर INSULATOR। चलिए और यहाँ देखिए भाई साहब, ग्रेफाइट सॉफ्ट है और यहाँ पर ये कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, क्यों, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोबाइल पाई इलेक्ट्रॉन, खूब पढ़े होंगे, कंडक्टर है क्यों, यहाँ पर लिख सकते हैं ड्यू टू द मोबाइल पाई इलेक्ट्रॉन, मोबाइल पाई इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोबाइल पाई इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर इनका मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई, तो यहाँ पर लिख लीजिए कंडक्टर क्यों है, ड्यू टू द मोबाइल पाई इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू मोबाइल MOBILE, ड्यू टू मोबाइल पाई इलेक्ट्रॉन ELECTRON, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोबाइल पाई इलेक्ट्रॉन। तो देखिए भाई, हम लोगों ने इतना टेबल में मेहनत किया है और बहुत आसान है। अगर कोई आपसे पूछे कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप हैं वो कितने टाइप, वो 4 टाइप के हैं, 60 ट्रिक क्या है, MIMC, ये क्या है, मॉलिक्यूलर, फिर ये क्या है, आयनिक, ये क्या है, मेटेलिक, और ये क्या है, कोवैलेंट। तो देखिए एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि हमारे पास जो सॉलिड हैं वो 4 टाइप के हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड
के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, और इसमें भी मैंने आपको बताया था कि ट्रिक है कि कॉलम कैसे बनेंगे, कितने कॉलम। तो सी बी ई एक्स, सी का मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट्स, बी का मतलब बाइंडिंग, और ई का मतलब एग्जाम्पल, और यहाँ पर पी सी एम फिजिकल नेचर, इलेक्ट्रिकल सी माने कंडक्टिविटी, एम माने मेल्टिंग पॉइंट। और इसी ट्रिक को आप याद रखिएगा, यहाँ कितने टाइप के हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड के, तीन पार्ट, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मॉलिक्यूलर सॉलिड के जितने भी पोलर, नॉन पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डेड है, सबके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट के मॉलिक्यूल होंगे। लंडन या डिस्पर्सन फोर्सेस नॉन पोलर के फोर्स होंगे, पोलर के फोर्स डाइपोल, डाइपोल होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और सारे एग्जाम्पल आपके सामने दिया गया है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। यह कभी कभी पूछा गया एग्जाम में कि कौन सा सॉलिड किसके अंतर्गत रखा गया है और उसका मेल्टिंग पॉइंट या उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी। तो अब आप हेडिंग डालिए, अब आप हेडिंग डाल दीजिए क्रिस्टलाइटिस। नेक्स्ट हेडिंग क्रिस्टलाइटिस, इसको हम रफ कर रहे हैं भाई, लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है ये। और अब आप हेडिंग डालिए क्रिस्टलाइटिस, या इसी को स्पेस लाइटिस भी कहा जाता है। क्रिस्टल की चर्चा हो चुकी है, क्रिस्टल क्या होते हैं, क्रिस्टलाइटिस या स्पेस लाइटिस, क्रिस्टलाइटिस या स्पेस लाइटिस, क्रिस्टलाइटिस, सी आर वाई एस टी ए एल, क्रिस्टलाइटिस, एल ए डबल टी आई सी, क्रिस्टलाइटिस। तो समझने का प्रयास करिए कि क्रिस्टलाइटिस है क्या भाई। अगर हम ऐसे आपको बहुत सरल लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करें तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पास कोई एक वाल है, कोई एक दीवाल है, ये दीवाल है, इस दीवाल पर आपको टाइल्स लगाना है। क्या लगाना है, टाइल्स लगाना है। तो टाइल्स हमने लगाना शुरू किया, ये टाइल्स लगाया, दूसरा टाइल्स, तीसरा टाइल्स, ऐसे लगाते गए, ऐसे हमने सेट किया तो ऐसे हमारे पास टाइल्स लगता गया, ये देखिए ना। तो बार बार टाइल्स को हमने रिपीट किया, किया कि नहीं किया, ये देखिए टाइल्स को हमने बार बार क्या किया, रिपीट किया। तो जब हमने टाइल्स को बार बार रिपीट किया, रिपीट करने के बाद हमारे वाल में पूरा टाइल्स दिख रही है। तो ये जो रिपीटिंग अरेंजमेंट आपको दिख रहा है, बार बार आपने टाइल्स को रिपीट किया, आपने कई टाइल्स को बार बार रिपीट किया, सेम टाइप को लगाते गए, एक बाद एक के बाद लगाते गए, तो यही जो रिपीटिंग अरेंजमेंट है या रिपीटिंग पैटर्न है, दैट पैटर्न, रिपीटिंग पैटर्न इज नोन एज क्रिस्टल लैटिस। 3D रिपीटिंग अरेंजमेंट, 3D देखिए, रेगुलर है ये, फिर ये, फिर ये, रेगुलर मतलब रेगुलर रिपीटिंग अरेंजमेंट ऑफ द, ये देखिए, ये जो वाल ऐसे बनी हुई है, वाल पर आपने टाइल्स लगा दिया, तो ये दिखेगा कि टाइल्स एक के ऊपर रखी गई है, ये टाइल्स का अरेंजमेंट है, यही तो आपको समझ में आएगा ना। तो यही जो टाइल्स हैं, यही अगर हम माने कि ये हमारा सॉलिड है, ये हमारा क्रिस्टल है, ये जो दीवार दिख रही है हमारा क्रिस्टल है, क्रिस्टल किससे मिलके बना है, टाइल्स से मिलके बनी है, तो टाइल्स क्या हुए, कॉन्स्टिट्यूएंट्स हुए। तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट को बार बार रिपीट करके, रिपीट करते जाएं, तो जो रिपीटिंग अरेंजमेंट हमको मिलता है, तो यही रिपीटिंग अरेंजमेंट क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस। यही पूरा का पूरा, ये जो अरेंजमेंट आपको दिख रहा, मैं यहां भी बना देता हूं, ये पूरा का पूरा ये क्या कहलाएगा, स्पेस लैटिस, क्या कहलाएगा, स्पेस लैटिस, या इसी को हम क्या कहेंगे, क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस। तो भाई ध्यान देना कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को बार बार रिपीट करें, बार बार रिपीट करके, और जो रिपीट करने पर जो अरेंजमेंट हमको मिलता है, दैट अरेंजमेंट इज नोन एज द क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस भी इसको कहा जाता है। तो अगर इसको लिखना चाहे एक लाइन में, 3D रेगुलर एंड रिपीटिंग अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन ए सॉलिड, किसी भी सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का लगातार रिपीटेशन जो पैटर्न दिखाता है, दैट इज नोन एज स्पेस लैटिस, दैट इज नोन एज स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस। तो आप लिख लीजिए कि द 3D रेगुलर रिपीटिंग अरेंजमेंट ऑफ, डोनट कामा में द 3D, और यही इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, यही क्या है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो यहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमारा क्या है, टाइल्स है। द 3D रेगुलर
द थ्री डी रेगुलर एंड रिपीटिंग अरेंजमेंट, द थ्री डी रेगुलर एंड रिपीटिंग रीअरेंजमेंट, द थ्री डी रेगुलर एंड रिपीटिंग रीअरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन कौन से एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स, द थ्री डी रेगुलर एंड रिपीटिंग रीअरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम आयंस या मॉलिक्यूल्स इन ए सॉलिड, इन ए सॉलिड इज नोन एज, इज नोन एज क्रिस्टलाइटिस, इज नोन एज क्रिस्टलाइटिस, इज नोन एज क्रिस्टलाइटिस। तो भाई देखिए, अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द क्रिस्टलाइटिस या स्पेस लाइटिस, तो बात एक ही है कि किसी भी क्रिस्टल में जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनका जो अरेंजमेंट है, रिपीटेशन अरेंजमेंट जो है, दैट रिपीटिंग अरेंजमेंट इज नोन एज द क्रिस्टलाइटिस, इज नोन एज द क्रिस्टलाइटिस। और क्रिस्टलाइटिस को हम क्या कहते हैं, ये स्पेस लाइटिस भी, इट इज आल्सो कॉल्ड, ऐसे लिख लीजिए, आर स्पेस लाइटिस, क्रिस्टलाइटिस आर स्पेस लाइटिस, स्पेस लाइटिस, इसको हम क्रिस्टलाइटिस कहेंगे, इसको आप बना भी सकते हैं। या और अब हेडिंग डाल दीजिए लाइटिस पॉइंट, क्रिस्टलाइटिस या स्पेस लाइटिस तो आप लोगों ने पढ़ लिया, और अब आप हेडिंग डाल दीजिए लाइटिस पॉइंट, एल ए डबल टी आई सी, लाइटिस पॉइंट, हेडिंग डाल दीजिए लाइटिस पॉइंट, एल ए डबल टी आई सी, लाइटिस पॉइंट, लाइटिस पॉइंट। समझिए भाई लाइटिस पॉइंट क्या है, किसी भी क्रिस्टल सिस्टम में उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को डार्ट से दिखाया जाता है। इन ए क्रिस्टल लाइटिस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर शोन बाई डार्ट्स एंड दीज डार्ट्स आर नोन एज दी क्या, लाइटिस पॉइंट। ईच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स विल बी रिप्रेजेंटेड बाई ए डार्ट। तो भाई ध्यान दीजिए, लाइटिस पॉइंट, लाइटिस पॉइंट क्या है कि अगर कोई क्रिस्टल है, मान लीजिए कि कोई क्रिस्टल है, तो क्रिस्टल किससे मिलकर बना होगा, क्रिस्टल कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलकर बना होगा। कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, एटम आयंस या मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो उन एटम्स, लैटिस पॉइंट का मतलब कि इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या क्या होंगे, एटम्स होंगे या आयंस होंगे या क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं इनको डार्ट के द्वारा दिखाया जाए, किसके द्वारा, डार्ट के द्वारा, ये डार्ट, ये सब क्या है, यही सब इसके हैं लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट क्या है, लैटिस पॉइंट का मतलब कुछ नहीं, लैटिस पॉइंट का मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ऐसे बना लीजिए, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऐसे आप बना लीजिए जैसे मैं बना रहा हूं, ठीक है। और ये पूरा का पूरा फिगर क्या कहलाएगा, ये पूरा का पूरा फिगर कहलाएगा स्पेस लैटिस, स्पेस लैटिस, या इसी को हम कहेंगे क्रिस्टल लैटिस, क्या कहेंगे, क्रिस्टल लैटिस। और ये भाई क्या है जो ये डार्ट दिख रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूएंट, देखिए क्रिस्टल लैटिस पॉइंट का मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, और ये सब क्या दिख रहे हैं, ये सब क्या है, ये सब हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, या इन्हीं को हम कहेंगे लैटिस पॉइंट्स, क्या कहेंगे, लैटिस पॉइंट्स, लैटिस पॉइंट। नोट कर लीजिए भाई इसको, तो अगर आपसे कोई पूछे कि लैटिस पॉइंट क्या है, तो किसी भी क्रिस्टल सिस्टम में उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को, एटम आयन या मॉलिक्यूल्स को डार्ट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, दीज डार्ट्स आर नोन एज दी लैटिस पॉइंट्स। तो ईच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ए डार्ट। तो यहां पर आप लिख सकते हैं एक लाइन कि ईच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यहां पर आप डबल इंट कामा में लिख सकते हैं, यहां पर डबल इंट कामा में आप लिख सकते हैं ईच
कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, सी ईच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ईच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स एंड एटम्स आयंस आर मॉलिक्यूल्स. ईच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम आयंस आर मॉलिक्यूल्स. Each constituent particle, atoms and molecules are represented by a dot in a solid is known as lattice point. इसको हम क्या कहेंगे भाई, इसको हम कहेंगे लैटिस पॉइंट. तो अगर आपसे कोई पूछे कि लैटिस पॉइंट क्या है, तो क्या जवाब देंगे कि सर क्रिस्टल सिस्टम अगर है, कोई क्रिस्टल है, तो क्रिस्टल में उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे. एटम आयन या मॉलिक्यूल को ही हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहते हैं. तो इनको दिखाने का जो तरीका है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, वो डॉट है. अगर कहीं पर क्रिस्टल सिस्टम में डॉट है, तो हम जान जाएंगे कि प्रत्येक डॉट उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को शो कर रहा है. और ये पूरा का पूरा जो फिगर दिख रहा है, यही स्पेस लैटिस है. मतलब स्पेस लैटिस वो स्पेस होता है जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सेटल्ड रहते हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम आयन मॉलिक्यूल अरेंज रहते हैं, वो स्पेस लैटिस कहलाता है. तो अब फिगर धीरे धीरे आपके समझ में आ रहा होगा कि स्पेस लैटिस क्या है. स्पेस लैटिस वो स्पेस होता है जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या डॉट्स उसमें अरेंज रहते हैं, उसमें सेटल्ड रहते हैं. तो भाई अगर कोई पूछे कि लैटिस पॉइंट क्या है, ईच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब एटम आयन और मॉलिक्यूल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ए डॉट इन ए सॉलिड इज नोन एज लैटिस पॉइंट. और इस तरीके से फिगर आपको बनाना है, जैसे यहां पर फिगर बना हुआ है. और यहां पर आप एक ऐसे बना लीजिए, इसी को हम यूनिट सेल कहेंगे. दिस इज द यूनिट सेल. इसको हम क्या कहेंगे, यूनिट सेल. ये फिगर बनाना जरूरी है भाई. दिस इज द यूनिट सेल. ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम आयंस या मॉलिक्यूल्स. स्पेस लैटिस ये 2D में है. इसी तरीके से आप, तो हम लोगों ने पढ़ा कि यूनिट सेल व्हाट इज द, यहां पर देखिए लिखा आपने यूनिट सेल. तो अब बारी आ गई यूनिट सेल की. इस लैटिस पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को डॉट से दिखाया जाता है, वही डॉट लैटिस पॉइंट है. और लैटिस पॉइंट जिस स्पेस में अरेंज रहते हैं, उन स्पेस को हम क्रिस्टल स्पेस कहेंगे या लैटिस स्पेस कहेंगे. अब बात आती है यूनिट सेल की. हेडिंग डाल दीजिए यूनिट सेल. हेडिंग डालिए यूनिट सेल, UNIT, यूनिट सेल. हेडिंग डाल दीजिए यूनिट सेल. तो भाई देखिए, कभी आप लोगों ने मकान बनते हुए देखा होगा, ईंट की दीवारें बनती हुई आप लोगों ने देखा होगा. तो आप देखिए कि कैसे राजगीर दीवार को बनाता है, वाल को बनाता है. तो एक के ऊपर एक ईंटें बन रखता जाता है, और अंत में एक दीवार का निर्माण हो जाता है. तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये दीवार किससे मिलकर बनी है, तो आप कहेंगे ईंटों से मिलकर बनी है. तो कोई भी क्रिस्टल किससे मिलकर बनता है, कोई भी क्रिस्टल अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर बनता है, एटम या मॉलिक्यूल से बनकर बनता है. तो हम बार बार ईंटों को रिपीट करते हैं ना. मेरे पास कोई वाल है, अगर तो मेरे पास एक वाल, ये वाल बनानी है, तो मैंने ईंटों को बार बार क्या किया, रिपीट किया. मतलब एक वॉल्यूम जो ये दिख रहा है, स्मॉलेस्ट पोर्शन है ये छोटा सा पोर्शन, इसी को मैंने बार बार रिपीट किया. तो यही जो स्मॉलेस्ट पोर्शन आपको दिख रहा है, जिसको बार बार रिपीट करने पर हमको इंटायर वाल मिल जा रही है, हमको पूरी की पूरी दीवार मिल जा रही है. तो हम इसी स्मॉलेस्ट पोर्शन को, जिसको बार बार रिपीट किया जा रहा है, रिपीट करने से हमको इंटायर क्रिस्टल सिस्टम मिल जाए, तो दैट स्मॉलेस्ट पोर्शन इज नोन एज द यूनिट सेल. भाई बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि आपसे कोई पूछे यूनिट सेल, उसके नाम से स्पष्ट है, यूनिट सेल, यूनिट माने इकाई. तो एक छोटी सी इकाई को, एक स्मॉलेस्ट पोर्शन को हम बार बार रिपीट करते जाएं, जिससे हमारा इंटायर क्रिस्टल बन जाए, तो हम कहेंगे कि यह जो स्मॉलेस्ट पोर्शन है, यही यूनिट सेल है. स्मॉलेस्ट यूनिट सेल का मतलब
एक छोटी सी ईंट जिससे बार बार रिपीट करने पर पूरा का पूरा मकान बना हुआ है, तो हम कहेंगे वही यूनिट सेल है। तो यूनिट सेल का मतलब किसी भी क्रिस्टल सिस्टम का वह स्मॉलेस्ट पोर्शन जिसको बार बार हम रिपीट करें, बार बार एक दूसरे के ऊपर अरेंज करें तो हमको पूरा का पूरा क्रिस्टल मिल जाए, तो दैट स्मॉलेस्ट पोर्शन इज नोन एज द यूनिट सेल। तो अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ ए क्रिस्टल सिस्टम विच वेन रिपीटेड अगेन एंड अगेन जनरेट एंटायर क्रिस्टल। तो लिख सकते हैं यूनिट सेल की डिफिनीशन, द स्मॉलेस्ट पोर्शन, द स्मॉलेस्ट SMALLEST, द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ ए क्रिस्टल, द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ ए क्रिस्टल सिस्टम, द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ ए क्रिस्टल सिस्टम विच वेन रिपीटेड द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ ए क्रिस्टल सिस्टम विच वेन रिपीटेड अगेन एंड अगेन द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ ए क्रिस्टल सिस्टम विच वेन रिपीटेड अगेन एंड अगेन टू जनरेट इंटायर क्रिस्टल इज नोन एज यूनिट सेल। तो स्मॉलेस्ट पोर्शन को आप अंडरलाइन कर लेंगे, अगर स्मॉलेस्ट पोर्शन को हम बार बार रिपीट करें जिससे हमारा इंटायर क्रिस्टल हमको मिल जाए तो हम क्या कहेंगे, उसको यूनिट सेल कहेंगे। तो देखिए भाई यूनिट सेल कैसे बनता है, यूनिट सेल मैं बना देता हूँ। ये देखिए एक फिगर मैं क्यूब बना दिया और उसी के माध्यम से समझाने के प्रयास करूँगा कि ये यूनिट सेल है। यहाँ देखिए दिस और दिस, यहाँ पर ये जो एक्सिस है यही सब एज लेंथ है। देखिए एज है ना, ये सब क्या है, एजेज है ना, ये देखिए एजेज हैं। तो इस पर जो एज लेंथ है उसको हमने ए माना, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। इसको हमने क्या माना, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमने माना बी। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हमने क्या माना, सी। ओके, और जो एंगल है इसके बीच का एंगल एल्फा, इसके बीच का एंगल बीटा, इसके बीच का एंगल गामा, ये यूनिट सेल की विशेषता है। तो यहाँ पर जो ए बी सी है, अगर हम इसको मान लें एक्स, इसको हम मान लें वाई, इसको हम क्या मान लें जेड, तो जो एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस है उसको ए, इसी को कहा जाता है एज लेंथ, और जो वाई एक्सिस पर एज लेंथ है उसको हमने क्या माना, सी, और जो जेड एक्सिस पर है उसको हमने क्या माना, बी। तो चलिए भाई यहाँ पर ए बी सी क्या है, ए बी सी एक्स एक्सिस पर, जेड एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर जितना भी डिस्टेंस कट कर रहा है वही क्या है, एज लेंथ। ए बी सी क्या है, एज लेंथ, EDGE, एज लेंथ, EDG, एज लेंथ, LENGTH, ABC क्या है, एज लेंथ। चलिए अल्फा बीटा गामा क्या है, अल्फा बीटा गामा ये एंगल्स है ना, और इन एंगल्स को नाम दिया जाता है एक्सियल एंगल्स, क्या, एक्सियल एंगल्स, ANGLES, एंगल। तो यूनिट सेल की विशेषता दो पैरामीटर से दी जाती है, एक तो एज लेंथ से और दूसरे नंबर पर एक्सियल एंगल से। इसका मतलब कि एन यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय 6 पैरामीटर्स। वो 6 पैरामीटर कौन कौन है, ए बी सी और अल्फा बीटा गामा। हम ए बी सी चेंज कर सकते हैं, मतलब इस एक्सिस पर जो डिस्टेंस है वो चेंज कर सकते हैं, इस एक्सिस पर जो डिस्टेंस है वो चेंज कर सकते हैं, इस एक्सिस पर चेंज कर सकते हैं, और जो एंगल्स हैं अल्फा बीटा गामा ये भी हम चेंज कर सकते हैं। तो दिस इज द यूनिट सेल, और इस यूनिट सेल को बार बार हम रिपीट करते जाएं तो हमको पूरा का पूरा एक क्यूब मिल जाता है। तो भाई देखिए इसका मतलब कि ए यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय 6 पैरामीटर्स।
तो आप लिख सकते हैं कि 10 ए यूनिट सेल, आप लिख सकते हैं कि 10 ए यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय 6 पैरामीटर्स। स्टार बना के लिख लीजिए, यहां पे स्टार बना के लिखिए कि 10 ए यूनिट सेल, 10 एन यूनिट सेल, यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय कैरेक्टराइज्ड बाय 6 पैरामीटर्स, कैरेक्टराइज्ड बाय 6 पैरामीटर्स, PARAMETER, दैट इज ABC, इसको हम क्या कहेंगे, एज लेंथ, इसको हम क्या कहेंगे, एज लेंथ, एंड अल्फा बीटा गामा, और इसको हम क्या कहेंगे, एक्सियल एंगल्स। तो अगर हम ABC और अगर हम अल्फा बीटा गामा को चेंज करें तो हमको डिफरेंट यूनिट सेल मिलते जाएंगे। अरे भाई, ABC की वैल्यू हम चेंज करेंगे तो एज लेंथ डिफरेंट होगा, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू चेंज करेंगे तो एक्सियल एंगल्स भी डिफरेंट होगा। तो इसका मतलब कि हम अगर एज लेंथ और अल्फा बीटा गामा को चेंज करें तो हमको डिफरेंट यूनिट सेल मिलते जाते हैं। और अभी आप पढ़ेंगे कि कितने टाइप की यूनिट सेल आप पढ़ेंगे, बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे एक चीज को। और ये जो एज लेंथ हैं ABC, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। दीज एजेस मे आर मे नॉट बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो एक स्टार बना के लिख लीजिए कि ये जो एजेस आपने लिखा, दीज एजेस मे आर मे नॉट बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मे आर मे नॉट बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो भाई देखिए, इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि वो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो आप नोट लिखिए, नोट में ये लिखना है कि यूनिट सेल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के अरेंजमेंट की बेसिस पर दो भागों में बांटा जाता है। भाई यूनिट सेल है तो यूनिट सेल का मतलब स्मॉलेस्ट पोर्शन, जिसको बार 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 हम रिपीट करें तो इंटायर क्रिस्टल हमको मिल जाए, वही यूनिट सेल है। और उस यूनिट सेल में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे उनको हम डार्ट से दिखाएंगे। तो अगर हम यूनिट सेल में डार्ट की पोजीशन बदलें, कभी कॉर्नर पर रखें, कभी एजेस पर रखें, कभी फेस पर रखें यूनिट सेल के, तो कभी उसके इनसाइड रखें, सेंटर पर रखें, तो हमको डिफरेंट टाइप के यूनिट सेल मिलते जाएंगे। तो यूनिट सेल्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज, पहले नंबर पर प्रिमिटिव यूनिट सेल और दूसरे नंबर पर नॉन प्रिमिटिव, या उसी को हम कहते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। तो नोट में ये लिखना है कि यूनिट सेल्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज, यूनिट सेल्स, UNIT, यूनिट सेल्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज, CATEGORIES, यूनिट सेल को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। और अब हम लोग इसको, आप नोट लिख लीजिएगा, और अब हम लोग डिवाइड करेंगे कि कैसे उसको लिखा जाए जिससे कम टाइम में, कम स्पेस में ज़्यादा चीज़ें हो जाए। तो देखिए, यूनिट सेल यहाँ डालिए, यूनिट सेल, इसके दो पोर्शन करना है हम लोगों को, इसके दो पोर्शन करना है। पहले नंबर पर प्रिमिटिव, PRIMITV, प्रिमिटिव यूनिट सेल, और दूसरे नंबर पर नॉन प्रिमिटिव,
नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल इसे सेंटर्ड यूनिट सेल भी कहा जाता है, सेंटर्ड यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल को हम आई से लिखते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल। इसको हम सिंपल यूनिट सेल भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? सिंपल। तो देखिए दोनों की विशेषता क्या है। यूनिट सेल के नाम से स्पष्ट है कि ये स्मॉलेस्ट पोर्शन होगा, जिसको बार बार हम रिपीट करें तो इंटायर क्रिस्टल मिलेगा। प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव का मतलब होता है सिंपल, मतलब कि एक ऐसा यूनिट सेल जिसमें उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स केवल कॉर्नर पर रहें, इसके अलावा किसी भी पोजिशन पर वो सिचुएट ना। लेकिन नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में कॉर्नर पर हो, इसके अलावा विद इन द यूनिट सेल भी। यहां पर देखिए प्रिमिटिव यूनिट सेल का मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली ऑन द कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल का मतलब कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स ऑफ यूनिट सेल। कॉर्नर्स ऑफ यूनिट सेल मतलब कहने का यह कि अगर हम कोई यूनिट सेल बना लें, हमने क्यूबिक यूनिट सेल बनाया, ये हमने बना लिया यूनिट सेल, हमने बना लिया ये दिस। तो ये कह रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, मान लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ये कॉर्नर पर हैं, ये सिंपल है भाई, ये देखिए ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। ये क्या है सर? ये क्या है? सर्किल को मैं फिलअप कर रहा हूँ, ये सब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, एटम आयन या मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब आगे चलें, यहां पर क्या होगा? नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर सिचुएटेड एट कॉर्नर्स एज वेल एज विद इन द यूनिट सेल। कॉर्नर पर तो हो, इसके अलावा वो इसके अंदर भी हो, फेस पर हो सकते हैं और एजेस पर हो सकते हैं और इस बॉडी के अंदर एक हो सकता है। तो यहां भी आप लिख सकते हो, यहां भी लिख सकते हो कैसे, कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एज वेल एज विद इन द यूनिट सेल। मतलब कॉर्नर पर तो हो, इसके अलावा वो यूनिट सेल के किसी भी पोजीशन पर हो, वो फेसेस पर हो सकते हैं, वो एजेस पर हो सकते हैं, वो बॉडी के अंदर हो सकते हैं। कौन? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो यहां पे लिख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स विद इन द यूनिट सेल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, विद इन द यूनिट सेल। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल का फर्दर डिवाइडेशन नहीं है, लेकिन नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल या सेंटर्ड यूनिट सेल को आगे तीन भागों में बांटा गया है, उसको हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। इसको अगर आप लोग लिख चुके हैं तो मैं इसको रफ कर देता हूं। तो भाई प्रिमिटिव यूनिट सेल और नॉन प्रिमिटिव के देखिए कितने पोर्शन, नॉन प्रिमिटिव के तीन पोर्शन। यहां पर मैं रफ कर देता हूं, मैं ऊपर से लिखता हूं जिससे तीनों अच्छे ढंग से हमारे बोर्ड पर आ जाए। तो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। चलिए भाई इसके तीन पोर्शन वहीं पर आप बना लीजिएगा, या भी आप भी अलग से ऐसे बना लीजिएगा, इसके तीन पार्ट, नॉन प्रिमिटिव के तीन पार्ट। पहले नंबर पे फेस सेंटर्ड, दूसरे नंबर पे बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड,
भाई नॉन प्रिमिटिव को हम सेंटर्ड भी कहेंगे ना, तो जहां भी होगा सेंटर पर होगा, सेंटर्ड, देखिए बार बार सेंटर्ड आएगा, सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड के बाद दूसरे नंबर पर बॉडी फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड के बाद बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, और तीसरे नंबर पर बेस आर इंड सेंटर्ड, बेस आर इंड सेंटर्ड। चलिए भाई, फेस सेंटर्ड का मतलब कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर पर तो हो, इसके अलावा जो यूनिट सेल के फेजेस हो उन फेजेस के सेंटर में हो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट हो तो हम कहेंगे फेस है। मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एज वेल एज एट द फेसेस ऑफ एट द सेंटर ऑफ फेजेस। तो यहां पर लिख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, एट द कॉर्नर्स एज वेल एज, एज वेल एज एट द सेंटर ऑफ फेसेस, सेंटर ऑफ जो फेसेस हैं एट द सेंटर ऑफ फेसेस। कैसे, ऐसे बना लीजिए, ये मैंने एक यूनिट सेल बनाया है, एक यूनिट सेल सिमेट्रिकल बना लीजिए, एक यूनिट सेल मैंने बनाया ऐसे, आप भी बना लीजिए मेरे साथ, ये यूनिट सेल, ये देखिए इसको मैंने यहाँ, ये क्या करें कि फेस सेंटर्ड, मतलब एक कॉर्नर पर तो है ही हैं, कॉर्नर पर हैं, जो आठ कॉर्नर आपको दिख रहे हैं, ये देखिए आठ कॉर्नर आपको दिख रहे हैं ना, क्यूब में टोटल कितने कॉर्नर, एट कॉर्नर, कैसे कैसे कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एट कॉर्नर ना, इसके अलावा ये करें फेसेस पर भी हूँ, कैसे फेसेस पर आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एज वेल एट द, एज वेल एट द सेंटर ऑफ फेसेस, एट द सेंटर ऑफ फेसेस। तो देखिए एक यहाँ होगा इसका फेस, फिर ऊपर वाले का फेस ये होगा, फिर राइट साइड का फेस ये होगा, फिर इसके पीछे वाले का फेस ये होगा, हमारी तरफ का फेस यहाँ होगा, नीचे वाले का फेस ये होगा, यही ना, ये क्या है फेसेस हैं एट द सेंटर ऑफ फेसेस, एट द सेंटर ऑफ फेजेस। तो भाई फेस सेंटर का मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर पर हो, इसके अलावा जो फेजेस हैं फेजेस के सेंटर पर वो प्रेजेंट हो, तो इसीलिए नाम दिया गया फेस सेंटर्ड। किसके ये टाइप्स हैं, नॉन प्रिमिटिव या सेंटर्ड यूनिट सेल के। अब दूसरे नंबर पे बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड का मतलब इसके नाम से स्पष्ट है भाई, कॉर्नर पर तो हो, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, ये देखिए ये दिस दिस दिस, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ हैं, कॉर्नर पर, तो चलिए हमने कॉर्नर पर किया, कॉर्नर पर तो होना ही होना है, तो कॉर्नर पर हो गए, कितने कॉर्नर, एट कॉर्नर, सब पे फटाफट फटाफट रख दिया, ये देखिए फटाफट, ये आप भी रख दीजिए फटाफट, दिस 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 दिस, आप क्या बचा भाई बॉडी सेंटर्ड। दूसरे नंबर पे बॉडी सेंटर्ड मतलब कि कॉर्नर पर तो हो, इसके अलावा ये जो पूरा क्यूब दिख रहा है इसका बॉडी, इसका बॉडी का सेंटर एक होगा ना, और वो कहां पर होगा, वो बिल्कुल इसी पर होगा, ये यहां पे, तो यहां पर आप लिख सकते हैं सेंटर ऑफ बॉडी, सेंटर है बॉडी का, सेंटर ऑफ बॉडी, इस पूरे बॉडी का क्या है वो सेंटर है। तो इसकी क्या विशेषता हुई कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एज वेल एज एट द मिडिल आर सेंटर ऑफ यूनिट सेल, कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, एट द कॉर्नर्स एज वेल एज, एज वेल एज, एज वेल एज इन द मिडिल ऑफ यूनिट सेल, एज वेल एज इन द मिडिल ऑफ, एज वेल एज इन द मिडिल ऑफ यूनिट सेल, जो यूनिट सेल का मिडिल है वहां पर भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट रहना चाहिए। चलिए भाई
बेस आर इंटरसेंटर्ड, तो ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स तो कॉर्नर्स पर सों, इसके अलावा कोई दो अपोजिट फेजेस हैं, कोई दो अपोजिट फेज ले लीजिए, उन पर इनका प्रेजेंट होना जरूरी है। तो कहने का मतलब कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एज वेल एज एट द अपोजिट एज वेल एज एट टू अपोजिट फेजेस। मतलब कि मेरे पास ये देखिए, इसके फेजेस वन, फिर ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव, ये सिक्स, सिक्स फेजेस हो गई ना। तो ये कह रहे हैं कॉर्नर पर तो हो, यहाँ पर एक एटम हो, दूसरा एटम यहाँ हो, तीसरा एटम यहाँ हो, चौथा एटम यहाँ हो, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, आठ कॉर्नर हो गए, आठ कॉर्नर पर एटम हो गए। इसके अलावा ये क्या करें कि कोई दो अपोजिट फेजेस, जैसे ये अपोजिट फेज ये इसका यहाँ पर एक और एक यहाँ पर, या इसका अपोजिट फेज मेरी तरफ, इधर देखिए ये वाला फेज मैंने लिया जो मेरी तरफ है, मेरी तरफ है, तो मैंने आपको ऐसे दिखाया यहाँ पर जो एटम है इसके जस्ट अपोजिट फेज में। तो कॉर्नर्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बेस सेंटर्ड है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एज वेल एज एट द सेंटर ऑफ टू अपोजिट फेसेस, टू अपोजिट फेजेस जो अपोजिट फेज हैं। तो देखिए सिमेट्रिकल आप बना लीजिए ऐसे, यहाँ पर मैंने एक क्यूब बनाने की कोशिश किया है, अभी बना लीजिए। कॉर्नर पर हमको क्या रखना है भाई, कॉर्नर पर हमको रखना है एटम्स। दिस इज द कॉर्नर, ये क्या है कॉर्नर, फिर क्या कॉर्नर, ओके दिस इज द कॉर्नर, ये सब कॉर्नर्स हैं, फिर यहाँ पर क्या कॉर्नर्स हैं, ओके। अब इसके बाद क्या करें, बेस आर, तो हमने दो, कोई दो अपोजिट फेज ले लीजिए, एक हमने ऊपर वाला ले लिया, एक नीचे वाला ले लिया। तो ऊपर वाले फेज पर हमने ये बना लिया, ये देखिए, और एक नीचे वाला फेज हमने ले लिया ये, तो ये दोनों क्या हैं अपोजिट फेजेस, दोनों क्या हैं अपोजिट, OPPOSIT अपोजिट फेजेस, दोनों फेजेस क्या हैं अपोजिट। तो भाई हमारे पास यूनिट सेल दो टाइप के, पहले नंबर पर प्रिमिटिव यूनिट सेल जिसको हम सिंपल भी कहते हैं, तो उसकी विशेषता यह है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर। फिर उसके बाद हमने बताया नॉन प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर पर तो होंगे, इसके अलावा विद इन द यूनिट सेल भी होगा। अब वो कहाँ होगा, वो जिस पोजिशन पर होगा उसी के बेसिस पर उसका नाम होगा। तो इसका मतलब नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल को फर्दर डिवाइड किया गया तीन कैटेगरी में, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और बेस आर इंड सेंटर्ड। तो जो फेस सेंटर्ड, इसके नाम से स्पष्ट है भाई फेस, तो हमारे यूनिट सेल में जो सिक्स फेसेस हैं उनके कॉर्नर पर भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट हो, जो फेसेस हैं छह उनके सेंटर पर भी प्रेजेंट हो, कॉर्नर के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मस्ट प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एज वेल एज एट द फेसेस ऑफ जो क्यूब है, उस क्यूब के छह फेसेस का जो सेंटर है उस पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट हो। और कहां पर हो, कॉर्नर पर तो होना ही होना है। इसके बाद बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मस्ट प्रेजेंट एट द कॉर्नर एज वेल एज इन द मिडिल ऑफ द बॉडी या एज वेल एज इन द सेंटर ऑफ बॉडी, तो बॉडी का जो सेंटर है वहां भी होना चाहिए। बेस आर इंड सेंटर्ड में क्या है, बेस या इंड सेंटर्ड में यह है कि कॉर्नर पर कॉन्स्टिट्यूएंट हो, इसके अलावा कोई दो अपोजिट फेस, मैंने ऊपर वाला और नीचे वाला, ये अप साइड और ये कौन सा साइड, ये अप साइड और ये बिलो साइड, तो दोनों साइड के ऊपर नीचे आप ले सकते हैं। तो भाई इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे पास जो यूनिट सेल हैं वो दो टाइप के हैं, कौन कौन से, पहले नंबर पे प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव के इतने पार्ट। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, इसके अलावा
टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल कैसे निकाला जाता है, सबसे पहले प्रिमिटिव या सिंपल में, दूसरे नंबर पे नॉन प्रिमिटिव में फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, बेस आर इंड सेंटर्ड। तो देखिए हम यही बता देते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। तो जो सिंपल था, सिंपल में क्या था कि सारे एटम कॉर्नर पर थे, सारे एटम कहां थे, कॉर्नर पर थे। तो कॉर्नर पर अगर हैं तो 8 × 1/8, चलिए इसको नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसको ढंग से डिस्कस करना पड़ेगा चीजों को, और इसमें टाइम लगेगा, वक्त लगेगा। तो जैसे मैं बता रहा था कि हमारे पास प्रिमिटिव यूनिट सेल है, प्रिमिटिव यूनिट सेल का मतलब इस टाइप से है, यहाँ पर प्रिमिटिव यूनिट सेल, हम इसको अगले टर्म पे फिर बताएंगे। तो यहाँ पर प्रिमिटिव का मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो कहाँ, कॉर्नर पर, ये कॉर्नर पर है। तो ये बताइए जो एक कॉन्स्टिट्यूएंट है, ये पार्टिकल है, तो इसको अगर हम अटैच करें दूसरे यूनिट सेल से, यहाँ यूनिट सेल से, यहाँ यूनिट सेल से, यहाँ, तो ये जो होगा 8 × 1/8, मतलब कि कितने हैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल हमको निकालना है। तो टोटल 8 कॉर्नर है, 8 कॉर्नर पर कितने कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, 8 कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, और एक जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, वो इसके शेयर में, इसके पोर्शन में कितना पार्टिसिपेट करता है, तो 1/8, तो 1 से 1 कटा क्या, 1। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, भाई पर यूनिट सेल का मतलब इसका दिख तो रहा है एक, लेकिन ये बगल वाले से, ऊपर वाले से, दाएं वाले, नीचे वाले से शेयर करते हुए इसके भाग में केवल 1/8 ही आएगा। तो 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8 कितनी बार, 8 बार, 8 × 1/8 = 1। उसी तरीके से यहां पर हम लोग कैसे करेंगे, कॉर्नर पर तो है ही है, ढंग से हम अगली बार एक्सप्लेन करेंगे। 8 × कॉर्नर पर तो है ही है, 8 × 1/8, ये कॉर्नर वाला प्लस फेसेस पर है ना, एक फेस दूसरे फेस से अटैच होगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। कैसे, ये 1 आएगा और ये 3 आएगा, 4 हो गया। यहाँ पर कितना हुआ, 8 × 1/8 + 1 = 2। यहाँ पर बेस आर इंड सेंटर क्या होगा, 8 × 1/8 + देखिए ये किससे, तो 2 × 1/2 = 2 आएगा। इसको नेक्स्ट टर्न पे हम लोग डिस्कस करेंगे, अच्छे ढंग से डिस्कस करेंगे। तो आज मैं इस लेक्चर को यहीं फिनिश करता हूँ, लेकिन लेक्चर को फिनिश करने से पहले मैं रिवाइज कर दूँ कि आज हम लोगों ने क्या क्या चीज़ स्टडी किया, हम लोगों ने क्या क्या चीज़ पढ़ा। तो देखिए आज हम लोगों ने जो शुरुआत किया वो हम लोगों ने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड के प्रकार। तो हमने कहा कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो, आज हम लोगों ने स्टार्ट किया टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। हमने ये बताया कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो उसके अगर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ऐसे ऐसे उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ऑर्डर मैनर में अरेंज होंगे, तो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बीच में जो फोर्सेज लगते हैं, इंटरमॉलिकुलर फोर्सेज, वो 4 टाइप के हो सकते हैं। पहले नंबर पर वांडरवाल फोर्स, दूसरे नंबर पे आयनिक बांड, तीसरे नंबर पे कोवेलेंट बांड, और चौथे नंबर पे मेटेलिक बांड। इनकी बेसिस पर क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने प्रकार के, 4। पहले नंबर पे मॉलिक्यूलर, दूसरे नंबर पे आयनिक, तीसरे नंबर पे मेटेलिक, चौथे नंबर पे कोवेलेंट। सबका एग्जांपल बारी बारी से हमने दिया, इसके 3 पार्ट हमने बताया, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। मैंने क्या बताया, सबके कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स होंगे। नॉन पोलर में मैंने बताया कि इसके जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे, जो बॉन्डिंग होगी वो कौन सी होगी, वो लंडन या डिस्पर्सन होगी। इसके एग्जांपल मैंने H2I2CCl4 बताया। मैंने बताया कि ये नॉन पोलर है तो इंसुलेटर होगा, इसका मेंटिक पॉइंट लो होगा। फिर मैंने आयनिक को पोलर को बताया तो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होगा, इसका एग्जाम्पल H2SO2SF4 होगा। फिर मैंने तीसरे नंबर पे बताया हाइड्रोजन बॉन्डेड H2O के फॉर्म में, ये हार्ड होता है। फिर मैंने क्या बताया, आयनिक बॉन्ड, इसमें आयन्स होते हैं, मेटेलिक बॉन्ड में मेटल्स होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड में एटम होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड में एक एक्सेप्शन था कि कार्बन एक डायमंड है, एक ग्रेफाइट, दोनों कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, लेकिन जो डायमंड है वो इंसुलेटर है, लेकिन जो ग्रेफाइट है वो कंडक्टर है,
ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोबाइल पाई इलेक्ट्रॉन, साफ होता है। फिर मैंने बताया कि किसी भी क्रिस्टल को जनरेट करने के लिए एक स्मॉलेस्ट पोर्शन को बार 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 रिपीट किया जाता है, तो रिपीट करने पर अगर इंटायर क्रिस्टल मिल जाए तो जिसके रिपीट करने से, जिस स्मॉलेस्ट पोर्शन के बार बार रिपीट करने से हमको इंटायर क्रिस्टल मिला, वो स्मॉलेस्ट पोर्शन यूनिट सेल कहलाता है। यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करने का अच्छा तरीका ये है कि यूनिट सेल को तीन, यूनिट सेल को करेक्टराइज करने के 6 पैरामीटर हैं। एक तो ए बी सी जिसको हम एज लेंथ कहते हैं, और अल्फा बीटा गामा जिसको हम एक्सियल एंगल भी कहते हैं। ए बी सी अल्फा बीटा गामा अलग अलग हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। इनकी बेसिस पर यूनिट सेल कई टाइप के हो सकते हैं, मैंने अभी आगे हम लोग स्टडी करेंगे। फिर हमने बताया कि यूनिट सेल में जो एज लेंथ हैं, जो एजेस हैं, ये आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। यूनिट सेल को दो भागों में बांटा जा सकता है, यूनिट सेल को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक तो प्रिमिटिव, दूसरे नंबर पर नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव के तीन भाग, सबसे पहले फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड में कॉर्नर पर तो रहेंगे ही, इसके अलावा जो फेजेस हैं उसके सेंटर पर। बॉडी सेंटर में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बॉडी के यहाँ कॉर्नर पर तो रहेंगे ही, इसके अलावा उसकी बॉडी में रहेंगे। बेस या इंटर सेंटर्ड में कॉर्नर पर तो रहेंगे ही, कॉर्नर पर तो एटम को रहना ही रहना है, इसके अलावा कोई दो अपोजिट फेज ले लीजिए, उन पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे। हम नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल निकाल सकते हैं। जो सिंपल प्रिमिटिव आया था उसमें 1 है, दूसरे नंबर पर ये जो नॉन प्रिमिटिव में 3 पार्ट थे, फेस सेंटर्ड में आपने 4, बॉडी सेंटर में 2, बेस या इंटर सेंटर में 2। तो इस तरीके से आप आराम से निकाल सकते हैं। और अगले टर्न पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल कायदे से फिगर बना के, क्योंकि कई बार नीट और एग्जाम में पूछा गया जेई में कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर, इंड सेंटर, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव में कितना होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज इस लेक्चर को फिनिश करता हूँ। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार।